धन्यवाद सभापति जी. सप्लीमेंट्री डिमांड फॉर ग्रांट्स जर्नल 2016-17 के पक्ष में अपनी बात रखने के लिए खड़ा हुआ हूं. सप्लीमेंट्री डिमांड्स में 11,35,055 करोड़ रुपए की मांग की गई है, जिसमें से लगभग 11,20,267.44 करोड़ टेक्निकल सप्लीमेंट्री से जुड़ा हुआ है. द नेट कैश आउटगो will be only 14,786.50 crores. This is proof of prudent fiscal management of this government, saving of the ministries and enhanced receipts. No additional borrowings will be required and the government is well on track to meeting its fiscal deficit targets. Sabhapati ji, mujhe lagta hai ek sahi udharan acche prabandhan ka is sarkar ne, Modi sarkar ne dikhaya hai कि जहां ना और कर्जा लेने की आवश्यकता पड़ रही है, बल्कि वित्तीय घाटे को भी जो लक्ष्य रखा गया था उससे कम रखा गया है. हालांकि पूर्व की सरकारों में जहां एक और महंगाई पर रोक नहीं लगा पाते थे, वहीं पर वित्तीय घाटे पर भी इनकी कोई पकड़ नहीं थी, वो भी लगातार बढ़ता चला जा रहा था. पिछले 3 वर्षों में सरकार ने 4.5% वित्तीय घाटे को कम करते करते 3.5% पर लाए हैं और अगले साल इसको कम करके 3.2% पर किया गया है. एक बहुत बड़ा कदम इस सरकार के द्वारा. और कहीं ना कहीं जो टैक्स रिसीप्ट्स भी हैं, जो रेवेन्यू हमने जनरेट किया है, वो भी जो टारगेट सेट किया था उससे 5,000 करोड़ रुपए का ज़्यादा है. इससे पता चलता है कि सही दिशा में सरकार काम कर रही है. पूर्व की सरकार की बात कहूँ तो एक वो दौर था जब भ्रष्टाचार की सुर्खियों से भरे होते थे अखबार, एक ये दौर है कि सरकार की उपलब्धियों से भरे होते हैं अखबार. और ये तो अगर पेंशन के लिए जिस तरह से एरियर के लिए पैसा मांगा गया है और वन रैंक वन पेंशन के लिए भी लगभग 3,292 करोड़ रुपए की मांग यहां पर की गई है. साथ में वित्त आयोग की पे कमीशन की रिकमेंडेशन के बाद लगातार हर सरकार का खर्चा बढ़ेगा और यहाँ पर भी पेंशन के अरियर्स को देने के लिए और जो महंगाई भत्ता से लेकर वन रैंक वन पेंशन के अरियर्स को देना है, एक बहुत बड़ी बात है कि जो 40 सालों से वन रैंक वन पेंशन की मांग को कोई सरकार पहले पूरा नहीं कर पाई, 30 लाख पूर्व सैनिकों के परिवारों की इस मांग को किसी ने पूरा किया है तो माननीय मोदी जी की सरकार ने उसको पूरा किया है. ये नहीं देखा कि कितना 1,000 करोड़ रुपया चाहिए. 10,000 करोड़ से भी चाहिए था तो रेवाड़ी की रैली जी में मोदी जी ने कहा था कि मेरी सरकार आकर इस मांग को पूरा करेगी. हमने पूर्व सैनिकों की इस मांग को पूरा किया है. जहां बाकी राजनीतिक दलों के लोग आदर्श स्कैम जैसे स्कैम से जुड़े रहे, जो पूर्व विधवाओं के लिए बने थे उनके फ्लैट्स को तक लेने में लगे रहे, हमने आदर्श काम करके दिखाए, ताकि हमने उन परिवारों के लिए काम करके दिखाया है. डीओटी के प्रोजेक्ट्स के टेलीकम्युनिकेशन के लिए 1500 करोड़ रुपए की मांग की गई और उसमें भी यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड को एडिशनल ट्रांसफर देने की बात कही गई है, ताकि जो हमारा भारत नेट प्रोजेक्ट है कि देश की 2.5 लाख पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के साथ जोड़ा जाए. सोचा तो पहले की सरकारों ने भी था लेकिन कदम नहीं उठा पाए. हम ना केवल 2.5 लाख पंचायतों को जोड़ेंगे बल्कि वहां पर वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध करवाएंगे, ताकि डिजिटल भारत के प्रोग्राम को हम आगे ले जा सके. ये मोदी सरकार के बहुत सराहनीय कदम है. इसका टारगेट हमने दिसंबर 2018 तक का रखा है और सभापति जी बिल्कुल सही दिशा में ये काम चल रहा है, क्योंकि इस कमेटी का मैं चेयरमैन भी हूं पार्लियामेंट की. हम लगातार इस पर भारत नेट के प्रोजेक्ट को देखते हैं. इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब देश में बने, एक बड़ा सराहनीय कदम इस सरकार ने उठाया है कि अगर फॉसिल फ्यूल के अलावा किसी की इंपोर्ट सबसे ज्यादा है तो हमारा फॉरेन एक्सचेंज सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पर खर्च होता है. हमारी सरकार बनने के बाद बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरर्स ने इस देश में अपना पूंजी निवेश किया है, यहां पर मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत की है और इससे सरकार के डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को और गति मिलेगी. यही नहीं, मुझसे पूर्व के वक्ताओं ने
किसानों के बारे में बहुत सारी बातें कही हैं, ये केवल कहते थे, हमने करके दिखाया है। हमने कृषि कल्याण सेस लगाकर कृषि कल्याण कोष भी बनाया है और उसके लिए 5,207 करोड़ रुपए का प्रावधान इसमें किया गया है, जो पहली बार स्ट्रक्चरल प्लान किसी किसान से जुड़ी हुई व्यवस्था के लिए किया है तो मोदी सरकार ने किया है, उसके लिए मैं वित्त मंत्रालय को बहुत बहुत बधाई भी देना चाहता हूं। मुझसे पहले के वक्ताओं ने कहा कि किसानों की आय दुगनी कैसे होगी, इनको इस बात की खुशी नहीं कि दुगनी होगी, ये इस पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं कि दुगनी कैसे होगी। मैं ये कहना चाहता हूं, आपकी कथनी और करनी में अंतर था। आपके 10 वर्षों में लोगों को खाद तक नहीं मिल पाती थी, यूरिया नहीं मिल पाता था। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमने नीम की परत यूरिया पर चढ़ानी शुरू की, नीम कोटेड यूरिया शुरू किया। पिछले 2.5-3 वर्षों में एक दिन भी खाद या यूरिया की कोई कमी हमारी सरकार ने नहीं आने दी। और केवल इतना ही नहीं, इसको किसान कल्याण कृषि मंत्रालय का नाम भी दिया गया। केवल नाम नहीं, काम भी वैसे किए गए। चाहे सॉयल हेल्थ कार्ड बनाने की बात हो, किसान के लिए क्रेडिट देने की बात हो, इंटरेस्ट सब्सिडी स्कीम की बात हो, ई नाम योजना की बात हो, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के माध्यम से करोड़ों नए किसान अपनी फसल का बीमा कराने के लिए आगे आए हैं, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जहां किसान की पूरी फसल का बीमा होता है, आपकी सरकार तो इंसानों का बीमा तक नहीं कर पाई, हमारी सरकार ने तो किसानों की फसल का बीमा भी कराने का काम किया है। और यही नहीं, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना में भी हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। सभापति जी, मैं ये कहना चाहता हूं, अगर किसान को खाद समय पर मिलेगी, हर खेत को पानी मिलेगा, बीज सही दाम पर मिलेगा, मंडी के साथ उसको जोड़ा जाएगा, पर्याप्त सुविधाएं उसको मिलेगी, मौसम पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा और मंडी के साथ जोड़कर उसको उचित दाम मिलेगा, तो किसानों की आय भी दुगनी होगी और हम ये सुनिश्चित करेंगे किसानों की आय दुगनी हो। पर मुझे लगता है खड़गे जी इससे खुश नहीं है, क्योंकि इनकी पार्टी के कई नेताओं पर आरोप लगते रहे कि हरियाणा में भी कई किसानों की, राजस्थान में भी कई किसानों की जमीन इनकी पार्टी के एक बड़े परिवार के व्यक्ति ने ले ली। उत्तर प्रदेश के अमेठी में भी राजीव गांधी फाउंडेशन ने एक सम्राट साइकिल वाले के लिए जमीन जो मिली थी, वो जमीन फैक्ट्री तो चली नहीं, वो जमीन किसानों को वापस देने के बजाय राजीव गांधी फाउंडेशन। अगर इस सप्लीमेंट्री बजट में उनके जो अच्छे काम है या किसानों के लिए उन्होंने अगर काम किया है वो कहने दो, पिछली सरकार वो की, पिछली सरकार ये की, मोदी जी 70 साल से क्या किए, नहीं 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 सुनो सुनो, मोदी जी कहते 70 साल से क्या किए, इन्हों कहते क्योंकि इन्हों अभी अभी आए हैं 10 साल से, तो इन्हों ये कहते हैं कि तुम्हारी सरकार ये कर। अरे हमारी सरकार क्या कही वो हम बताएंगे, लेकिन तुम बार बार ऐसा करके तुम्हारे गलतियां मत छुपा लीजिए, जो आज बहुत से गलती किए हैं वो कर दे। नहीं नहीं, व्हाई शुड दिस से, इट इज नथिंग टू डू विद द सप्लीमेंट्री बजट। हाउ कैन यू रेस्ट्रिक्ट साइकिल का, नहीं आपका साइकिल का, राजस्थान का, हम कभी बोले सब कि आपके व्यापम का, नहीं व्यापम का घोटाला खड़गे जी तुम करे, अगर कोई शब्द अगर छत्तीसगढ़ में घोटाला, अगर कोई शब्द उनका संसदीय हो तो आपकी आपत्ति सही है, लेकिन अध्यक्ष जी, अध्यक्ष जी, सभापति जी, सभापति जी, ठीक, मैं केवल देखिए, जब तक मैंने किसानों के हित की बात की, खड़गे जी तब भी खड़े नहीं हुए, लेकिन उन्होंने खड़े होकर इतना भी नहीं कहा कि हाँ राजीव गांधी फाउंडेशन ने जो जमीन ली थी हम किसानों को वापस करेंगे, नहीं कह पाए, ये नहीं कह पाए कि गांधी परिवार के लोगों ने किसानों की जमीन को वहां पर लेकर रखा है। हम चाहते थे कि ये कहते वहां पर, इसलिए कहना कि किसानों के हित में किसने काम किया है, हमारी सरकार ने किसानों के हित में काम किया है, काम करेंगे और उनकी आय को दुगना भी करके दिखाएगी तो मोदी सरकार करके दिखाएगी। और यही नहीं, ये मोदी जी ने सरकार बनने के बाद कहा था कि ये सरकार है तो गरीब की, असहाय की, मजदूर की, महिला की, नौजवान की,
आप महंगाई को इतने वर्षों तक नहीं रोक पाए, हमने महंगाई पर ब्रेक लगाकर दिखाई। प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड का भी प्रावधान किया, 3500 करोड़ रुपए का हमने वहां पर प्रावधान किया है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इससे किसानों को भी और उपभोक्ता को दोनों को लाभ मिलेगा, ताकि फ्लक्चुएशन मार्केट में ना हो, आम आदमी को, उपभोक्ता को पैसा ज्यादा खर्च ना करना पड़े और किसान को भी नुकसान ना हो, इसके लिए सरकार ने उचित कदम उठाया है। 13.5 करोड़ किसान इस देश में है, 85% मार्जिनल फार्मर है, जिनकी 1 एकड़ से कम भूमि है, वो केवल इसलिए उगाते हैं कि अपने परिवार का पेट भर पाए, लेकिन उनका बारे में भी किसी ने सोचा है तो मोदी सरकार ने सोचा है। 8.5 करोड़ परिवार ऐसे हैं, लगभग 35 से 40 करोड़ लोग ऐसे जो आज भी गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं, उनको गरीबी के रेखा के नीचे रखने के लिए किसी ने मजबूर किया तो उस पार्टी ने जिसने 70 में से 60 साल इस देश में राज किया है। गरीब को और गरीब करने के लिए इंदिरा गांधी जी से लेकर सोनिया गांधी जी से राहुल गांधी जी तक सब ये कहते रहे गरीबी हटाओ, इस देश का गरीब मिट गया, लेकिन गरीबी नहीं मिट पाई। और इसके लिए कांग्रेस को देश से माफी मांगनी चाहिए। हम गरीब के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं। कांग्रेस आज तक कहती रही लुक ईस्ट, ये ईस्ट की ओर देखते रहे, पूर्वोत्तर राज्यों की ओर देखते रहे, आज इसीलिए पूर्वोत्तर के राज्यों में भी ये चले गए। हिनोंग जी मेरे बड़े अच्छे मित्र हैं, ये पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इसलिए चले गए क्योंकि ये देखते रहे, लेकिन हमने वहां पर काम करने का शुरू किया। चाहे रेलगाड़ी की बात हो, रोड की बात हो, वहां पर बाकी विकास की बात हो, हमने लुक ईस्ट नहीं एक्ट ईस्ट पॉलिसी पर काम किया है। मनमोहन सिंह जी वहां से आते थे, पूर्व प्रधानमंत्री जी, लेकिन पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए कर नहीं पाए। असम के दंगे हुए, केंद्र से यहां पर फौज वहां पर नहीं पहुंच पाई, जो यहां की सरकार में रहते हुए अपने जहां से सांसद चुनकर आते थे वहां के लिए नहीं कर पाए, हमने वहां पर भी किया है। इसलिए उत्तर प्रदेश से लेकर, उत्तराखंड से लेकर मणिपुर पूर्वोत्तर तक भी पहुंची है, तो मोदी मोदी की गूंज वहां तक पहुंची। और एक बात की तो मैं श्रेय उमर अब्दुल्ला जी को जरूर देना चाहूंगा, बड़े विजनरी लीडर हैं, पहाड़ों से आते हैं लेकिन बड़े विजनरी हैं। उन्होंने कहा 2019 तक छोड़ दीजिए, 2024 का सोचिए। मोदी जी ने देश को एकजुट करने की बात कही थी, आज का मीडिया तो विपक्ष को भी एकजुट करने में लगा रहे, भाई मोदी से लड़ना तो एकजुट हो जाओ। अरे खड़गे जी कहां गए? जैसे वो गई वैसी कांग्रेस चली गई। कृषि के बाद अगर हमारे देश में सबसे ज्यादा रोजगार कोई देता है, और रीढ़ की हड्डी मैं कहूं तो देश की अर्थव्यवस्था का कुछ है, तो एमएसएमई सेक्टर है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। और इसके माध्यम से सभापति जी 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिलता है, 45% से ज्यादा इसका शेयर एक्सपोर्ट में है। और माननीय मंत्री कलराज मिश्रा जी भी यहां पर हैं, और इन्होंने लगातार एमएसएमई सेक्टर को मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री जी से मांग उठाई। मैं जब डेलीगेशन लेकर भी इनके पास जाता था और वित्त मंत्री जी के पास जाता था, तो इन सब ने मिलकर कहा कि हां यही एक सेक्टर है जहां पर हम बहुत सारे रोजगार दे सकते हैं, लेकिन इनके लिए हमें कोलेट्रल फ्री क्रेडिट देना पड़ेगा जिससे माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को ज्यादा लाभ मिल सके। मैं बधाई देना चाहता हूं तो माननीय मंत्री जी को भी और प्रधानमंत्री जी को भी कि हमारे एमएसएमई सेक्टर के लिए इन्होंने 1504 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है, जिससे छोटे छोटे उद्योगों को लाभ मिलेगा और करोड़ों और रोजगारों का लाभ मिलेगा। हम एक तरफ से कहते हैं कि चीन सुपर पावर है, अगर हमें चीन से आगे एक्सपोर्ट सुपर पावर बनना है, तो निर्मला सीतारमन जी और कलराज मिश्रा जी से मैं कहना चाहता हूं, कॉमर्स और एमएसएमई मिनिस्टर से, इस सेक्टर पर हमें ध्यान देने की बहुत आवश्यकता है। और प्रधानमंत्री जी ने विशेष फोकस इस पर किया है, बिकॉज एमएसएमई हैज ऑलवेज फेस्ड प्रॉब्लम ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ टाइमली एंड एडुकेट क्रेडिट एट रीजनेबल रेट्स। मोदी गवर्नमेंट इज कमिटेड टू फंडिंग द अंडर फंडेड, और ये एक सराहनीय कदम है कि उन लोगों को, उन कारोबारियों को जिनके पास पैसा नहीं था, उनको भी इस माध्यम से पैसा मिलेगा और करोड़ों लोगों को आने वाले समय में रोजगार मिल पाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना, सन 2022 तक हर गरीब के पास सर ढकने के लिए एक छत हो, ऐसा हर गरीब का सपना होता है, वो कभी अमीरों की सरकार ने पूरा नहीं किया, लेकिन आज गरीब के बेटे को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया तो गरीबों का सपना पूरा करने का भी काम कर रही है। तो मोदी सरकार 782 करोड़ रुपए का प्रावधान,
इसमें किया गया है ताकि 2022 जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हो, जब हम आजादी के 75 वर्ष मना रहे हो तो हम फक्र के साथ ये कह सके कि मेरे भारत में एक भी परिवार ऐसा नहीं जिसके पास सर ढकने के लिए छत नहीं। अगर आप रायबरेली अमेठी में जाएंगे तो आज भी तरपाल ही लगे, झोपड़ियों में लोग रहते हैं, वहां पर भी छतें नहीं दे पाए। हम रायबरेली अमेठी में भी देंगे और देश के कोने कोने में उसको पहुंचा कर देंगे। जहां तक सीबीडीटी और सेंट्रल एक्साइज के ऑफिसर्स के लिए पे और अलाउंसेस के लिए 500 करोड़ रुपया मांगा गया है, ये बड़ा सराहनीय कदम है क्योंकि इन्हीं ऑफिशियल्स ने, जिस तरह से बैंक के कर्मचारियों ने करोड़ों बैंक खाते, 15 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते मात्र 6 महीने में खोलकर दिखाए, जो 60 वर्षों में कांग्रेस पार्टी नहीं कर पाई वो हमने 6 महीनों में करके दिखाया। 40,000 करोड़ रुपया उसमें गरीबों ने जमा करवाया। उसी तरह से काले धन पर जो कांग्रेस एक कदम नहीं उठा पाई थी, मोदी सरकार ने बनने पर पहला दिन, पहली कैबिनेट मीटिंग, पहला निर्णय एसआईटी का गठन जस्टिस एपी शाह की अध्यक्षता में बनाकर किया और काला धन वापस लाने का काम किया है। मेरे मित्र पूछते हैं कि कितना पैसा आया, पूछते हैं कि कितना पैसा आया। मैं इनको एक कहना चाहता हूं, हमने एसआईटी का गठन भी किया, हमने बैंक के खाते भी खुलाए, हमने लोगों को कहा कि अपने काले धन का घोषणा भी कीजिए, हमने काले धन पर कड़ा कानून भी बनाया और नोटबंदी करके काले धन वालों को अपना पैसा जमा कराने के लिए भी मजबूर किया। जो कल तक कहते थे कि मोदी सरकार ने काले धन पर क्या किया, जो कल तक कहते थे मोदी ने काले धन पर क्या किया, जब 8 तारीख की रात को काले धन पर वार हुआ, 500,000 का नोट बंद हुआ, तब कहने लगे हाय मोदी तूने क्या कर दिया। आपके पास मुझे लगता है अभी भी कुछ रह गया है। जिनके पास रह गया उनका रह गया है। और यही नहीं, इसीलिए ये प्रावधान बिल्कुल ठीक किया गया है। और केवल हम सभापति जी यहां पर रुके नहीं, हमने डीमोनेटाइजेशन के बाद डिजी धन योजना, ताकि मर्चेंट्स को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता की जाए, उनको ज्यादा से ज्यादा उत्साहित किया जाए, प्रोत्साहित किया जाए और उनको इनाम देने का काम भी, और 1.8 करोड़ भीम एप्लीकेशन चंद महीनों में डाउनलोड हुई है। ये इससे पता चलता है कि कितनी सफल योजना है। जो कल तक कहते थे कि काले धन, ये 500,000 का नोट बंद करने से मोदी जी को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और बाकी राज्यों के नतीजे बताते हैं कि विपक्ष आज केवल वहां पर उन राज्यों में खाली नहीं हुआ, आज लोकसभा में देखिए विपक्ष की और सीटें खाली पड़ी हैं। साथ ही ये सही माने में 2024 की तैयारी कर रहे हैं, 2019 में इनका कोई इंटरेस्ट बचा नहीं। 195 करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और सेफ्टी, कोयले की खदानों में कैसे हो, सर्विलेंस सिस्टम कैसे लगाया जाए और इलीगल माइनिंग पर रोक कैसे लगाई जाए, एक बहुत बड़ा कदम है सभापति जी, क्योंकि पिछली सरकार के समय कोयले की खदानें 204 बगैर कोई नीलामी किए अबांटित कर दी गई थी। 2 लाख करोड़ रुपए के घोटाले की बात आई, सुप्रीम कोर्ट ने नीलामी रद्द की, हमने 204 में से केवल 72 कोयले की खदानों की नीलामी की और 4 लाख करोड़ रुपए के लगभग देश के खजाने में इकट्ठा किया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है, जिसके लिए मैं सरकार को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। 2041 करोड़ रुपया, मेरे 10 मिनट हुए अभी, देखिए 20 मिनट हो रहे हैं। सेंट्रल रोड फंड के लिए आपने 2041 करोड़ रुपए की बात कही, आप आंकड़े देखिए कहां पर आज हम खड़े हैं। पीएमजीएसवाई में 2012-13 में यूपीए की सरकार में 8,386 करोड़ रुपया खर्च हुआ, हमने पिछले साल 19,200 करोड़ रुपया खर्च किया है और 70 किलोमीटर सड़क से बढ़ाकर 140 किलोमीटर सड़क एक दिन में बनाने का काम हमारी सरकार ने किया है। जहां नेशनल हाईवे इनकी सरकार के समय मात्र 6 किलोमीटर एक दिन में बनते थे, हमने 23 किलोमीटर नेशनल हाईवे एक दिन में बनाने शुरू किए हैं। मेरा छोटा सा हिमाचल प्रदेश है, 61 नेशनल हाईवे, 3 4-लेन के प्रोजेक्ट, 62,000 करोड़ रुपए की सड़कें हमें एक साल में मोदी सरकार ने दी, जो 70 सालों में बाकी नहीं दे पाए थे। मैं बहुत बहुत आभार इस सरकार का करना चाहता हूं। 3,000 करोड़ रुपया NDRF के लिए, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड के लिए दिया गया है, ताकि कोई त्रासदी घटे तो 24 घंटे के अंदर स्टेट यूनिट्स वहां पर, मैं खत्म कर रहा हूं, मेरे 2 पॉइंट रह गए। त्रासदी हो तो 24 घंटे में आप रिस्पॉन्ड कर पाए। उत्तराखंड में भी बड़ी त्रासदी हुई लेकिन वहां की सरकार विफल रही,
जो आपदा प्रबंधन के लिए पैसा दिया गया वो भी खाने में लगी रही, जिन्होंने आपदा का पैसा खाया, जिन्होंने त्रासदी का पैसा खाया, आज उनके साथ ऐसी त्रासदी हुई कि 70 में से 57 सीटें हम जीते, उनका नामो निशान नजर नहीं आया, उनका नामो निशान नजर नहीं आया। क्योंकि त्रासदी के समय भी अगर आप वैसा पैसा खाओगे तो जनता उसका जवाब देती है। जो यूपी में गंगा का प्लान को रोकने के लिए तैयार खड़े थे, आज उनको भी वहां से बहना पड़ा बाहर, वो भी कहीं नजर नहीं आए। नेशनल इन्वेस्टमेंट फंड में 2845 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, ये ताकि एनपीएस जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के हुए हैं वहां पर भी उनकी उनको कैपिटलाइजेशन के लिए, उनकी बढ़ाने के लिए, रिकैपिटलाइजेशन के लिए, और रेलवेज के लिए भी कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए पैसा का प्रावधान किया गया है। मेरे पहले के मित्रों ने कहा कि 10 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा एनपीए अकाउंट हुए हैं, लेकिन इनसे पूछिए पिछले 10 सालों में जो विदेश में एक हमारा पूर्व सांसद भाग गया है उसका किसने दिया लोन यहां पर? 10-10 बैंकों ने प्रधानमंत्री कार्यालय से लेकर नॉर्थ ब्लॉक के वित्त मंत्री के कार्यालय से किन मंत्रियों ने फोन किया और किन्होंने उसको पैसा दिया था? हजारों करोड़ उनको दे दिए गए, उनकी एयरलाइन तो ग्राउंडेड हो गई लेकिन वो खुद विदेश में फरार हो गए। अनुराग जी हो गया। और यही नहीं, ये लास्ट दो पॉइंट है, रेलवे मंत्रालय में 2026 सभापति जी लास्ट एक मिनट में ही खत्म करो, 2691 करोड़ रुपया रेलवे के नुकसान के लिए उनको रिम्बर्स किया जा रहा है। ये बहुत सराहनीय कदम है क्योंकि पूर्वोत्तर के राज्यों में, जम्मू कश्मीर में और हिमाचल प्रदेश की भनुपुली बिलासपुर लेह रेलवे लाइन जो हमें सीमा तक पहुंचाएगी, उस रेलवे लाइन के लिए भी इससे पैसे दिए जाएंगे ताकि सीमा पर हमारे सैनिकों को हर तरह की सुविधाएं मिल सके। इसके लिए मैं सरकार का बहुत धन्यवाद करता हूं। और सीएसटी में भी आप स्टेट्स को कंपनसेट करने के लिए 1384 करोड़ रुपया देने जा रहे हैं ताकि जो प्रदेशों का भरोसा केंद्र से उठ गया था कोऑपरेटिव फेडरलिज्म में, आपने इस रिश्तों को और अच्छा बनाया है। और सीएसटी कंपनसेशन से आप जीएसटी को भी सफल लागू करवाने वाले हो, इसके लिए भी मैं आपको बहुत बधाई देता हूं। अंत में केवल इतना कहूंगा, डिजिटल पेमेंट पे आपने बहुत शानदार काम किया है, लेकिन केवल आपके माध्यम से मैं एक बात कहना चाहता हूं, ये जो बैंकों से पैसा निकालने पर आप फीस लगाने वाले हो और जो क्रेडिट कार्ड पर भी फीस लगती है, डेबिट कार्ड पर लगती है, मेरा आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, आपने इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक तो बना दिया कि 50 रुपया भी कोई जमा कराएगा तो उससे पैसा नहीं लिया जाएगा, लेकिन कोई क्रेडिट कार्ड से करता है तो उससे 3% क्यों लिया जाएगा? ये विदेशों में बड़ी कंपनियां हजारों करोड़ कमाएंगी, कृपया करके इस पर उचित विचार कीजिए ताकि डिजिटल पेमेंट को उसको आगे जाकर लाभ मिल सके। इसका समर्थन करते हुए मैं आपका बहुत आभार करता हूं और विपक्ष के उन मित्रों से कहना चाहता हूं, जरा आंखें खोलिए, देश आगे बढ़ रहा है, अच्छे दिन आ गए हैं, आप सहयोग कीजिए, 2024 का इंतजार कीजिए, देश इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।